हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें हम सॉल्यूशन की इंट्रोडक्शन करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे और फिर फाइनली हम लोग लास्ट में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो कि डाइल्यूट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज होता है इसको डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर मैं आपसे ये बोलूँगा कि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि 11th से रिलेटेड है, वो हमें यहाँ पे ध्यान में रखना होगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये इसको आप लोग बोल सकते हो कि केमिस्ट्री में हर एक जगह इसका यूज होता है और ये जो है ये है मोल कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर में मोल्स से रिलेटेड कैलकुलेशंस होंगे तो हमें यहाँ पे मोल से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला है उसको याद रखना है। और सेकेंड वन जो है वो है कंसंट्रेशन टर्म। तो इस कंसंट्रेशन टर्म्स को हम ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स यहाँ पे इसलिए हमें पढ़ना है क्योंकि सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बना होता है और इस सॉल्यूशन में हम लोग सॉल्यूट के अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं और उस कैलकुलेशन में हमें इस कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज किया जाता है। तो कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत सारे हैं, वो हम लोग इस चैप्टर में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली सॉल्यूशन होता क्या है। तो सॉल्यूशन को हम लोग मिक्सचर बोलते हैं और सॉल्यूशन बनता कैसे है। तो सॉल्यूशन बनता है अगर आप सॉल्यूट को कंबाइन कर दीजिए सॉल्वेंट के साथ तो हमें जो मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन, दैट इज सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो ये सॉल्यूट है ये सॉलिड भी हो सकता है, ये लिक्विड भी हो सकता है और ये गैस भी हो सकता है। इसका हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, अगर आप सॉल्वेंट की भी बात करें तो सॉल्वेंट भी सॉलिड हो सकता है, सॉल्वेंट लिक्विड हो सकता है और सॉल्वेंट आपका गैस हो सकता है। तो उसी तरीके से अगर आप सॉल्यूशन को भी बोलें तो सॉल्यूशन को हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन बोल सकते हैं, सॉल्यूशन को हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं और हम लोग इसको गैस सॉल्यूशन या गैसियस सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो ये तो टाइप्स है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो बेसिकली कोई भी सॉल्यूशन जब बनेगा तो सॉल्यूशन बनने के लिए हमें सॉल्यूट चाहिए और हमें सॉल्वेंट चाहिए और ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट ही आपस में मिक्स होते हैं और मिक्स होके आपका सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो सॉल्यूशन होता है ये हम लोग यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन की बात करते हैं और ट्रू सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि होमोजीनियस मिक्सचर, यानी यहाँ पे
ये जो सॉल्यूशन है ये आपका होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा भी मिक्सचर्स होते हैं, आपने पढ़ा है एक मिक्सचर्स होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, लेकिन उसको हम लोग सॉल्यूशन में नहीं रखते हैं, उसको हम लोग ट्रू सॉल्यूशन नहीं बोलते। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है सॉल्यूशन का। तो आइए अब हम देखते हैं कि सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या होगा, आप किस तरीके से सॉल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो लेट्स सी, नाउ डेफिनेशंस की अगर बात करें हम लोग, तो हम डिफाइन करते हैं सॉल्यूशन को। अगर आप सॉल्यूशन का डेफिनेशन देखते हैं तो ये होता है सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। यानी जब भी हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन के डेफिनेशंस में हमें इस टर्म को हमेशा रखना है होमोलोगस मिक्सचर। और दूसरी बात कि मिक्सचर्स का फॉर्मेशन जब भी होता है तो उसमें जो सब्सटेंस होते हैं आपस में जो मिलते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए मिक्सचर्स है। अगर वो रिएक्ट कर जाते हैं तो फिर वो कंपाउंड होते हैं। अब देखते हैं, यहाँ पे एग्जांपल्स लेते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास शुगर है और शुगर को हम वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं तो हमें शुगर और वाटर का सॉल्यूशन मिलता है। तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन मिल गया। तो क्या ये सॉल्यूशन होमोजीनियस है? तो कैसे हम पता करेंगे कि होमोजीनियस है? चेक करेंगे हम कि किस तरीके से किसी भी सॉल्यूशन को आप होमोजीनियस बोलोगे। यहाँ पे मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये होमोजीनियस है। हम नेक्स्ट में इसको डिस्कस करेंगे कि होमोजीनियस क्या है। नेक्स्ट अगर बात करें, मान लीजिए आपके पास सॉल्ट है, सॉल्ट को अगर आप वाटर के साथ डिजॉल्व कर दें तो ये भी जो सॉल्यूशन बनाएगा वो सॉल्यूशन भी आपका होमोजीनियस होगा। उसी तरीके से अगर आपके पास ऑक्सीजन है, ठीक है, और ऑक्सीजन को आप वाटर में डिजॉल्व कर दीजिए, एक्वेटिक एनिमल्स इसी ऑक्सीजन को यूज करते हैं अपने रेस्पिरेशन में, तो इस तरीके से यहाँ भी ये सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। इसके अलावा बहुत सारे और भी टाइप्स हैं सॉल्यूशंस के, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे कि सॉल्यूशंस जो बनते हैं वो सॉल्यूशन बनने में उनके कुछ कंपोनेंट होते हैं, और ये कंपोनेंट यहाँ पे देखिए शुगर है और यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे सॉल्ट है और यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है और यहाँ पे वाटर है।
इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि आखिर होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होता है, कैसे आप किसी भी सॉल्यूशन को आप पहचान पाइएगा कि ये होमोजीनियस मिक्सचर्स है। लेक्चर टू में हम लोग डिस्कस करेंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और कैसे हम किसी भी सॉल्यूशन को पहचान पाएंगे कि ये होमोजीनियस सॉल्यूशन है। देखिए सिंपल, अगर मैं यहाँ एग्जांपल के थ्रू अगर समझाने की कोशिश करूँ, मान लीजिए कि हमारे पास है शुगर और हमारे पास है वाटर, और जब ये डिजॉल्व होगा शुगर वाटर में तो यहाँ पे बनेगा वो सॉल्यूशन होगा। अब ये सॉल्यूशन होमोजीनियस है या नहीं है इसको हम चेक करते हैं। तो देखिए पहले हम देखते हैं कि जब शुगर आपने लिया था, जब वो सॉल्यूशन नहीं बना था यानी वाटर में डिजॉल्व होने के पहले, तो इसका फिजिकल स्टेट जो था वो था सॉलिड, और जो आपने वाटर लिया है इसका जो फिजिकल स्टेट है वो कैसा है? लिक्विड। अब आप क्या करिए, आप दोनों को मिला लीजिए और दोनों को मिलाने के बाद अब आप स्टेट देखिए सॉल्यूशन का। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो सॉल्यूशन का स्टेट है वो है लिक्विड, यानी यहाँ पे जो शुगर है वो अपने स्टेट को लूज कर दिया, यानी यहाँ पे वो लिक्विड में चेंज हो गया, और वाटर पहले भी लिक्विड था और वो बाद में ही लिक्विड है। तो ऐसे कोई भी सॉल्यूशन जिसमें दो अलग अलग या दो से ज़्यादा अलग अलग फेज वाले अगर कंपोनेंट लेते हैं, और कंपोनेंट लेने के बाद अगर उस सॉल्यूशन का फेज वन हो जाए यानी वन फेज सिस्टम अगर हो जाए, तो आप ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे कि ये होमोजीनियस सॉल्यूशन। तो आप ऐसे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए और एग्जांपल लेके आप देखिएगा कि ये होमोजीनियस है या हेटरोजीनियस है। यहाँ बेसिकली जो है सॉल्यूशन का जो फेज है लिक्विड है, तो इसलिए हम इसको लिक्विड सॉल्यूशन का नाम देते हैं। ठीक है, जो भी सॉल्यूशन का फेज होगा वही उसका नाम होगा। यानी यहाँ अगर सॉल्यूशन लिक्विड में है, फाइनल स्टेट में अगर लिक्विड में है तो उसको लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे, अगर वो फाइनली गैस में रहेगा तो गैस सॉल्यूशन बोलेंगे, अगर वो सॉलिड में रहेगा तो सॉलिड में सॉल्यूशन बोलेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे सॉल्ट लेते हैं, ठीक है, और फिर मैं वाटर लेता हूँ, अब आप बताइए कि क्या ये होमोजीनियस सॉल्यूशन है क्या? तो होमोजीनियस सॉल्यूशन पहचानने के लिए आपको सिंपल इनका स्टेट देखिए। तो यहाँ पे ये सॉलिड स्टेट में है, यहाँ पे ये लिक्विड स्टेट में है, और जब दोनों मिक्स हो रहे हैं तो फाइनली जो सॉल्यूशन बन रहा है उसके पास सिर्फ एक ही स्टेट आ रहा है, या ये लिक्विड है, तो जो स्टेट होता है वही उसको हम लोग बोलते हैं, यानी हम इसको लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि इस सॉल्यूशन के पास वन फेज हो गया यानी वन फेज सिस्टम हो गया, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे कि दिस इज होमोजीनियस सॉल्यूशन। दूसरा मेथड है कि अगर आप सॉल्यूशन के कंपोजिशन को चेक करें, तो सॉल्यूशन के कंपोजिशन को चेक करिए, अगर उस सॉल्यूशन में पर यूनिट वॉल्यूम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अगर कांस्टेंट आता है। देखिए इसको हम समझते हैं, हमारे पास
एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। तो अगर इस सॉल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन जो हो सॉल्यूट का, यानी आप कंपोजिशन बोल सकते हैं, यानी हम बोल सकते हैं कि कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट पार्टिकल्स, कंपोनेंट पार्टिकल्स पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सॉल्यूशन, थ्रू आउट द सॉल्यूशन। अगर किसी भी सॉल्यूशन में कंपोनेंट पार्टिकल का कंपोजिशन थ्रू आउट सॉल्यूशन अगर सेम हो, कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म हो, एक जैसा हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं कि ये होमोजेनियस सॉल्यूशन है। यानी यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि इसमें अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम चेक करेंगे तो वो हमेशा आपका कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो किसी भी एरिया में आप देख लीजिए। आप ऊपर के लेयर में अगर आप कंसीडर कर रहे हैं तो भी वहाँ पे जो पर यूनिट वॉल्यूम अमाउंट होगा सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का, वो कांस्टेंट होगा। और कहीं भी किसी भी एरिया में किसी भी पर यूनिट वॉल्यूम में अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका कांस्टेंट होगा। तो इस तरीके से हम समझ गए कि होमोजीनियस होने के लिए फर्स्ट टर्म क्या है। तो फर्स्ट है कि कंपोजिशन क्या होने चाहिए, कंपोजिशन होने चाहिए आपको यूनिफॉर्म। और एक और जो आपको इसके पहले बोला कि आफ्टर फॉर्मेशन सॉल्यूशन जो होना चाहिए वो वन फेज सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो वन फेज सिस्टम होना चाहिए। अगर ऐसा कोई भी है तो आप उसको बोल सकते हैं कि वो होमोजीनियस सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने सॉल्यूशन के डेफिनेशंस पढ़ा और डेफिनेशन में हमने देखा कि सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। और हमने यहाँ पे ये भी देखा कि होमोजीनियस मिक्सचर किसको बोलते हैं, और होमोजीनियस मिक्सचर्स को समझने के लिए हमने देखा कि यहाँ पे अगर आप कोई भी केमिकल सॉल्यूशंस की बात करें तो वो अगर उसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन है थ्रू आउट और उसमें वन फेज सिस्टम आता है तो हम बोलेंगे कि ये होमोजीनियस सॉल्यूशन है। तो अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू कि कौन सा जो एग्जाम्पल है वो होमोजीनियस सॉल्यूशन का है और कौन सा एग्जाम्पल होमोजीनियस सॉल्यूशन का नहीं है। तो चलिए अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि हमारे पास एक फर्स्ट एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल है आपके पास है सैंड, ठीक है, और सैंड को आपने वाटर में क्या किया, मिक्स कर दिया, ठीक है। तो आपको बताना है कि क्या ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये होमोजीनियस सॉल्यूशन बनेगा क्या। तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन अगर बना लिया तो आप देखेंगे कि इस सॉल्यूशन में आपको सैंड दिखेगा, यानी यहाँ पे सॉलिड भी दिख रहा होगा और इस सॉल्यूशन में लिक्विड भी आपको वाटर दिख रहा है, यानी आप बोलिएगा कि ये सॉल्यूशन होमोजीनियस नहीं है, ये सॉल्यूशन कैसा है, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस। तो आप देख सकते हैं अगर कोई भी सिस्टम वन फेज सिस्टम अगर होता है तो हम उसको बोलेंगे कि होमोजीनियस है। यहाँ तो टू फेज सिस्टम है इसलिए हम इसको बोलते हैं कि दिस इज हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। सेकेंड हम बात करें कि अगर मान लीजिए हमारे पास एल्कोहल है और इसको आप वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो मिलेगा वो सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ ये भी लिक्विड था
और ये भी लिक्विड है, लेकिन जब दोनों मिल रहे हैं तो भी हमें एक ही फेज मिल रहा है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग होमोजीनियस सॉल्यूशन बोलेंगे। तो दिस इज होमोजीनियस सॉल्यूशन, होमोजीनियस सॉल्यूशन। इस तरीके से हम बहुत सारे एग्जांपल्स को देख सकते हैं कि ये होमोजीनियस है या हेटरोजीनियस। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशन के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, तो अगर हम सॉल्यूशन के कंपोनेंट की बात करें तो हम बोलेंगे कि देर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन, देर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। ये कौन कौन से कंपोनेंट है वो हम लोग देखते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट है वो है हमारा सॉल्वेंट, और जो सेकंड है वो हमारा है सॉल्यूट। अभी आप देख पा रहे हैं कि यही दो कंपोनेंट हैं जो मिलके आपको सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। यानी अगर आप बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि जब भी ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स होंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा, तो वो सॉल्यूशन देगा। तो हमने लेक्चर फर्स्ट में डिस्कस किया था कि जो सॉल्यूशन में कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, ये इनका स्टेट अगर देखेंगे तो हमने बोला था कि ये कुछ भी हो सकते हैं, ये सॉलिड भी हो सकते हैं, ये लिक्विड भी हो सकते हैं और ये गैस भी हो सकते हैं। उसी तरीके से सॉल्वेंट भी सॉलिड हो सकता है, सॉल्वेंट आपका लिक्विड हो सकता है और सॉल्वेंट आपका गैस हो सकता है। तो उसी तरह सॉल्यूशन भी हमारा लिक्विड सॉल्यूशन हो सकता है, सॉल्यूशन हमारा गैस सॉल्यूशन हो सकता है और सॉल्यूशन हमारा सॉलिड सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूट क्या है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट को कि आखिर सॉल्वेंट क्या होता है। लेट्स सी व्हाट डू मीन बाय सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट हमारा है सॉल्वेंट, तो लिख लीजिए सॉल्वेंट। देखिए सॉल्वेंट को पहचानने का सिंपल तरीका क्या है, आप कैसे किसी सॉल्यूशन में बताइएगा कि कोई सॉल्वेंट है और कोई सॉल्यूट है अगर दोनों का फेज अलग अलग है। तो अगर एक फेज है तब उसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन अलग अलग फेज है तो उसमें हम आसानी से पहचान जाएंगे कि सॉल्वेंट कौन है और सॉल्यूट कौन है। जैसे यहाँ पे पहचानते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास सॉलिड है और हमारे पास लिक्विड है, ये दो कंपोनेंट है, और जब ये दोनों मिक्स हो रहे हैं आपस में तो हमें जो सॉल्यूशन मिल रहा है वो मिल रहा है लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है जी, एक ऐसा कंसीडर कर लीजिए। दूसरा मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे सॉलिड है और दूसरा जो है वो आपका गैस है, ठीक है, और हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक, उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि हमारे पास अगर मान लीजिए कि लिक्विड है, ठीक है, और हमारे पास गैस, ठीक है, और इस तरीके से अगर हम बोले तो हमें जो मिल रहा है फाइनली वो मिल रहा है दैट इज द लिक्विड सॉल्यूशन।
या गैस सॉल्यूशन ले लीजिए, गैस सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब यहां पे आप देख पा रहे हैं कि कैसे आप ये पहचान पाओगे कि कोई भी सॉल्यूशन जो है वो सॉलिड सॉल्यूशन है या लिक्विड सॉल्यूशन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि फाइनली जो भी स्टेट हो जाए आपके सॉल्यूशन का, उस स्टेट वाला जो कंपोनेंट होगा वो सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्यूशन का स्टेट लिक्विड हो रहा है और यहाँ पे ये वाला जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, तो ये हमारा सॉल्वेंट कहलाएगा, ठीक है। उसी तरीके देखिए, हमारा ये दोनों मिलने के बाद हमारा जो सॉल्यूशन का स्टेट हुआ वो सॉलिड हुआ, ठीक है। तो आप चेक करिए कि इसमें किसका स्टेट सॉलिड है, तो ये वाला स्टेट जो है वो सॉलिड है, तो ये वाला सॉल्वेंट का काम करेगा। और लास्ट में देखिए कि आपके पास लिक्विड है और गैस है, और दोनों जब मिल रहे हैं तो आपके पास एक गैस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखिए, गैस सॉल्यूशन के फॉर्मेशन में आप देख पा रहे हैं कि सॉल्यूशन का फेज गैस है। तो अब यहाँ चेक करिए कि ये ऐसा सब्सटेंस है जिसका फेज गैस है, तो यही सॉल्वेंट है। यानी वो सब्सटेंस जो फाइनली सॉल्यूशन के स्टेट को डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है, वही सॉल्वेंट कहलाता है। ये सिंपल लैंग्वेज में पहचानने का तरीका है। कोई भी अगर आप सॉल्यूशन देख लीजिए और उस सॉल्यूशन में जो आप फेज देख रहे हैं वही फेज अगर आपको किस में मिल गया, सॉल्यूशन फॉर्म में मिल गया, तो आप उसको बोलेंगे कि दैट इज द सॉल्वेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कैसे हम सॉल्वेंट को डिफाइन करेंगे। तो देखिए, सॉल्वेंट को सिंपली आप बोल सकते हैं कि सॉल्वेंट जो होता है ये सॉल्यूट को अपने अंदर डिजॉल्व करता है, ठीक है। तो वैसे सारे सब्सटेंस जो सॉल्यूट को अपने अंदर क्या करता है, डिजॉल्व कर ले, उसी को हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। तो फर्स्ट आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट में हम लोग लिख सकते हैं कि सॉल्वेंट क्या होता है जी। तो सॉल्वेंट होता है कि सॉल्वेंट इज अ सब्सटेंस, इज अ सब्सटेंस दैट डिजॉल्व अ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट को अपने अंदर डिजॉल्व कर ले, उसी को हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। किसी भी सॉल्यूशन में एक ही सॉल्वेंट होता है, ठीक है, और ये सॉल्वेंट लिक्विड, सॉलिड और गैस हो सकता है। सॉल्वेंट आपका क्या क्या हो सकता है, मैंने अभी डिस्कस किया था कि ये लिक्विड भी हो सकता है, ये सॉलिड भी हो सकता है और ये गैस भी हो सकता है। और अगर सॉल्वेंट की बात करें तो किसी भी सॉल्यूशन में, एनी सॉल्यूशन की अगर बात करें कि एनी सॉल्यूशन, एनी सॉल्यूशन हैविंग हैविंग ओनली वन सॉल्वेंट, ओनली वन सॉल्वेंट, किसी भी सॉल्यूशन में एक से ज्यादा सॉल्वेंट नहीं हो सकता है, मोर देन वन सॉल्यूट हो सकता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, मोर देन वन सॉल्यूट हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट जब भी होगा तो वो हमेशा आपका एक ही रहेगा। तो इस तरीके से आप किसी भी सॉल्यूशन में आप दिखा सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि सॉल्वेंट ही फेज डिसाइड करता है कि सॉल्यूशन का फेज क्या होगा, सॉल्यूशन लिक्विड होगा, सॉल्यूशन गैस होगा
या सॉल्यूशन सॉलिड होगा, दिस फेज इज डिसाइडेड बाय सॉल्वेंट। तो इस तरीके से सॉल्वेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं और सॉल्वेंट को हम पहचान भी सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर किस तरह से आप किसी भी सॉल्यूशन में आप बताओगे कि कौन सॉल्वेंट है और कौन सॉल्यूट है। तो उसके लिए कुछ हम लोग सिंपल क्राइटेरिया, कुछ बातें पढ़ेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे। लेट सी सॉल्वेंट। हम जानते हैं कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक को हमने बोला था कि सॉल्यूट है और दूसरा सॉल्वेंट है। तो वन बाय वन करके हम दोनों का स्टडी करते हैं। सॉल्वेंट वैसे सब्सटेंस होता है जो सॉल्यूट को डिजॉल्व करता है। जैसे अगर मान लीजिए कि हमारे पास शुगर है और वाटर है, तो ये वाटर जो है वो इस शुगर को अपने अंदर डिजॉल्व करता है, अपने अंदर डिजॉल्व करता है, ठीक है। इसलिए वाटर को हम लोग यहां पे सॉल्वेंट बोलेंगे। तो वैसे सारे सब्सटेंस जो सॉल्यूट को अपने अंदर डिजॉल्व करता है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि सॉल्वेंट का फेज जो है वो लिक्विड भी हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है और वो गैस भी हो सकता है। यानी सॉल्यूशन में हमारा जो सॉल्वेंट है वो किसी भी फेज में आ सकता है, चाहे वो लिक्विड हो सकता है, चाहे वो गैस हो सकता है या वो सॉलिड हो सकता है। यानी हमें थ्री टाइप्स के सॉल्यूशन मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। किसी सॉल्यूशन को आप लिक्विड सॉल्यूशन बोलते हैं, किसी को गैसियस सॉल्यूशन बोलते हैं और किसी को सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर आप देखिएगा तो उसमें हमेशा और हमेशा एक ही सॉल्वेंट होता है। किसी भी सॉल्यूशन में एक से ज्यादा सॉल्वेंट नहीं हो सकता है, एक से ज्यादा सॉल्यूट पॉसिबल है, ठीक है, मोर देन वन सॉल्यूट पॉसिबल है, मोर देन वन सॉल्यूट तो पॉसिबल है लेकिन सॉल्वेंट पॉसिबल नहीं है। इसको याद रखिएगा कि हमें जब भी कोई सॉल्यूशन देखना है तो उस सॉल्यूशन में हम अगर सॉल्वेंट की बात करेंगे तो उसमें सॉल्वेंट सिर्फ एक ही होगा। नेक्स्ट, सॉल्वेंट के बेसिस पे हम सॉल्यूशन का अलग अलग नाम देते हैं, ठीक है। अगर सॉल्वेंट वाटर होता है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। और अदर देन वाटर हुआ, जैसे मान लीजिए आपके पास बेंजीन हो गया सॉल्वेंट, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट कुछ टर्म हमें देना होता है। तो यहाँ पे हमने बोला कि ये आपका नॉन एक्वस सॉल्यूशन। वही यहाँ पे डिस्कस किया गया कि इन अ सॉल्यूशन इफ वाटर इज अ सॉल्वेंट दैट सॉल्यूशन इज नोन एज एन एक्वस सॉल्यूशन। फिर इन अ सॉल्यूशन इफ सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर इज नोन एज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। और उसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखा कि कौन सा कब आप एक्वस बोलिएगा और कौन कब आप नॉन एक्वस बोलिएगा। अब इसी बेसिस पे हम एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कैसे आप वाटर और ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन और एक्वस सॉल्यूशन को पहचान पाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन सेट किया है, देखिए यहां पे, नेम द फॉलोइंग सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन का नाम देना है इसमें आपको सिर्फ सॉल्वेंट वाटर है या सॉल्वेंट
अदर देन वाटर है, इसके बेसिस पे इसको डिफ्रेंशिएट करना है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा सॉल्वेंट है ये वाटर है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ भी सॉल्वेंट हमारा क्या है, वाटर है, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ भी अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए अल्कोहल और वाटर में वाटर आपका सॉल्वेंट है, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास वाटर नहीं है, ये दोनों के दोनों ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं, और जब कोई भी सॉल्वेंट हो इसमें, कुछ भी हो सकता है, कोई भी सॉल्वेंट हो, लेकिन यह वाटर नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम सॉल्वेंट के बेसिस पे समझ सकते हैं कि कौन एक्वस है और कौन नॉन एक्वस है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहाँ पे बात आ रहा है कि कैसे हम किसी भी सॉल्यूशन में पहचानेंगे कि जो गिवन कंपोनेंट है उसमें से कौन सॉल्वेंट है और कौन सॉल्यूट है। तो देखिए इसके पहचानने के तरीका है, एक तो हम लोग अमाउंट के बेसिस पे देखते हैं कि जिस सब्सटेंस का, जिस कंपोनेंट का अमाउंट ज्यादा है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, और जिसका अमाउंट कम है उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं। लेकिन ये अमाउंट जो है, ये अमाउंट अगर आप मोल में कंसीडर करें तो वो बेटर है। मोल में अमाउंट कैलकुलेट करके आप देखिए, मोल में अमाउंट अगर ज़्यादा है तो वही सॉल्वेंट होगा, और अगर कम है तो वो सॉल्वेंट नहीं होगा, क्योंकि ग्राम में कभी कभी कन्फ्यूजन होता है। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी सब्सटेंस दिया है, उसका मॉलिकुलर मास दिया हुआ है और उसका प्रॉपर मॉलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है, तो ऐसे केस में हम कोशिश करेंगे कि उसका मोल कैलकुलेट करें, मोल कैलकुलेट करके हम पहचानने की कोशिश करें। लेकिन अगर मान लीजिए कि अननोन सब्सटेंस ए और बी करके दिया गया है और तब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कौन सॉल्वेंट है और कौन सॉल्यूट है, तो ऐसे केस में आप सिंपल अमाउंट ग्राम में देख के बता सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि देयर इज ओनली वन सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन वाइल सॉल्यूट मे बी वन और मोर देन वन। किसी भी सॉल्यूशन में एक ही सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूट ज्यादा हो सकता है। एक और तरीका है पहचानने का, जनरली ऐसा देखा गया है कि सॉल्यूट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है सॉल्वेंट से, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज जनरली लेस देन सॉल्यूट। तो ये भी कहीं कहीं क्राइटेरिया है पहचानने का, इसके बेसिस पे भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और नेक्स्ट है, फेज ऑफ द सॉल्यूशन और स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन इज डिसाइडेड बाय सॉल्वेंट। मैंने लेक्चर फर्स्ट में ये डिस्कस किया था कि जब होमोजीनियस प्रॉपर्टीज पढ़ रहा था हम, होमोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में, वहां पे हमने आपको बोला था कि बेसिकली जो सॉल्वेंट होता है वही डिसाइड करता है कि सॉल्यूशन का स्टेट क्या होगा। अगर सॉल्यूशन का स्टेट लिक्विड है, यानी सॉल्वेंट लिक्विड है, अगर सॉल्यूशन का स्टेट गैस है तो समझ लीजिए कि सॉल्वेंट गैस है, और अगर सॉलिड है तो समझ लीजिए कि सॉलिड सॉल्वेंट है। अब यहां पे प्रीवियस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम यहां पे पहचानने जा रहे हैं कि कौन सॉल्वेंट है और कौन सॉल्यूट। तो चलिए यहां पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 18 ग्राम वाटर है और 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है। अब देखिए यहां पे वाटर है और वाटर भी लिक्विड है, और आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड भी लिक्विड है, तो आप यहां पे किसको बोलिएगा
कि ये सॉल्वेंट है, तो सबसे पहले अमाउंट लिखिए। तो इसका अमाउंट गिवन है 18 ग्राम और इसका जो अमाउंट है वो गिवन है 49 ग्राम। देखिए अगर आप यहां पे, मैंने कॉन्सेप्ट बताते समय ये बोला था कि अगर आप ग्राम को सिर्फ कंसीडर करिएगा तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो यहां पे देखिए आपको नोन फॉर्मूला है, यहां पे वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला दिया गया है और H2SO4 का फॉर्मूला दिया गया है और इनका करस्पॉन्डिंग मास दिया गया है। तो ऐसे केस में आप इसको कैलकुलेट करना है, तो आपको यहाँ पे अमाउंट जो है ग्राम के बेसिस पे नहीं करना है, आपको यहाँ मोल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मोल ऑफ वाटर निकाल लीजिए, तो मोल ऑफ वाटर निकालिए तो फॉर्मूला होता है गिवेन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, और इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये आएगा 1 मोल। उसी तरह मोल ऑफ H2SO4 अगर कैलकुलेट करते हैं, तो मोल ऑफ H2SO4 अगर कैलकुलेट करते हैं तो 49 ग्राम दिया हुआ है और आपको दिया हुआ है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है 98 और इसको सॉल्व करिएगा 1/2 यानी 0.5 मोल। और मैंने बोला था कि जिसका मोल ज्यादा होगा, तो यहाँ H2O का मोल जो है वो ज्यादा है मोल ऑफ H2SO4 से, इसलिए आप यहाँ पे बोलेंगे कि जो वाटर है वो यहाँ पे, वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे जो वाटर है वो सॉल्वेंट है, ये याद रखिएगा, यहाँ पे वाटर सॉल्वेंट। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारे पास है कि आप कोई ए और बी दिया हुआ है। अब देखिए ए और बी दिया हुआ है यानी ए और बी में हमें फॉर्मूला मालूम नहीं है, तो जब हमें किसी का फॉर्मूला नोन नहीं हो तो ऐसे केस में आप ए और बी का सिंपल वेट के बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका दिया है 5 ग्राम और इसका दिया है 20 ग्राम, और एक्चुअली फॉर्मूला नोन नहीं है तो हमें हम मोल निकाल नहीं सकते, इसलिए हम बोलेंगे कि 20 ग्राम ज्यादा है तो यहाँ बी जो है ये सॉल्वेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, अगर आप थर्ड क्वेश्चंस को देखिए तो थर्ड क्वेश्चंस में आप देख पा रहे हैं कि आपके पास 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है और 90 ग्राम वाटर है। फिर आप यहाँ पे वही बात है, वाटर देख लीजिए और H2SO4 देख लीजिए। अगर आप सिर्फ ग्राम के बेसिस पे अगर बात करते तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता, क्योंकि दोनों का 90-90 ग्राम दिया हुआ, सॉरी इसका 98 ग्राम दिया है और इसका, सॉरी इसका 98 ग्राम दिया और इसका 90 ग्राम दिया। अब यहां पे देखने से लग रहा है कि H2SO4 सॉल्वेंट होना चाहिए, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूं कि आपको यहां पे इसका मोल निकालना चाहिए। तो आप पहले मोल निकाल लीजिए, यहां भी मोल निकाल लीजिए, तो यहां पे 1 आएगा और यहां पे 5 आएगा, और आप 5 जो है वो ग्रेटर देन है किससे, 1 से, इसलिए आप बोलिएगा कि यहां पे जो वाटर है ये वाटर सॉल्वेंट का काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्वेंट को यहां पे पहचान पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, नेक्स्ट है कि एन एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय 2.6 ग्राम ऑफ इथाइलीन ग्लाइकोल एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर। अब यहां पे आप कैलकुलेट कर लीजिए, सिंपल है, पहले मोल निकाल लीजिए वाटर का, ठीक है, और आप मोल निकाल लीजिए किसका, इथाइलीन ग्लाइकोल का। ठीक है, तो आप जब मोल निकालिएगा तो यहां पे वाटर का मोल ज्यादा होगा और इथाइलीन ग्लाइकोल का मोल कम होगा। अगर आप इसको वेट के बेसिस पे देखते तो आपको यहां पे कंफ्यूजन होता, क्योंकि इथाइलीन ग्लाइकोल का वेट ज्यादा है, इसलिए यहां पे आपको मोल कंसिडर करना है, तो मोल के अकॉर्डिंग यहां पे वाटर जो है वो आपका सॉल्वेंट। उसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट के केस पे बेसिस पे भी आप यहां पे देख लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट जो दिया है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस दिया गया है और सल्फ्यूरिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट जो दिया गया है 337 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। हमने बोला था कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट जो होता है वो बेसिकली लेस देन होता है किससे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट से, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट से। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे जो वाटर है वो आपका सॉल्वेंट का काम कर रहे हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड सुगर, मैंने ये पहले डिस्कस किया था,
कि सुगर और वाटर के केस में वाटर ही आपका सॉल्वेंट होता है, ऑक्सीजन और इसके केस में भी वाटर ही आपका होगा, और अल्कोहल और इसके केस में भी वाटर को आपको लेना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि कैसे किसी भी सॉल्यूशन में आप सॉल्वेंट को आप देख पाओगे, पहचान पाओगे कि कौन सॉल्वेंट है और कौन सॉल्यूट है।